एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जहां दोस्तों भारत सरकार का बड़ा फैसला किया है और 21 दिन का लॉकडाउन पूरे भारतवर्ष में इसको लागू कर दिया है। इस नियम का, इन सरकार के बनाए गए नियमों को आपको मानना बेहद ही खास जरूरी है। अगर आप लापरवाही बरतते हैं तो अंजाम बेहद ही चुनौतीपूर्ण होने वाला है। तो अगर बात करें तो कई बड़े देश जिन्होंने लॉकडाउन किया है, लॉकडाउन के द्वारा ही उन्होंने जो है महामारी को होने से रोका है। इनके लिए तमाम बड़े देशों के आंकड़े यहां पर निकल कर आ रहे हैं, लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद क्या आंकड़े बने हैं। तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन रहेगा कि भारत सरकार के बनाए गए नियमों का पालन करें और घर पर ही सुरक्षित रहें। सबसे पहले बात करते चीन के लिए, जो बड़े न्यूज चैनल हैं उन्होंने जो डेटा दिया है उसके आधार पर आपको ये जानकारी दिखा रहे हैं, जिनमें अगर बात करें चीन के लिए पहला आंकड़ा था वो था 1 दिसंबर 2019 को पहला जो मामला था वो सामने आया। उसके बाद अगर देखें आप तो चीन ने जब लॉकडाउन किया तब केस थे 571 और कुल मौत जो थी वो 17 मौत हो चुकी थी। तब जाकर चीन ने जो है लॉकडाउन किया। लॉकडाउन के बाद देखें आंकड़े क्या थे। लॉकडाउन के बाद आंकड़ा जो था वो था यहाँ पर 80,565 तक आंकड़ा पहुंच गया है। कुल मौत जो है वो है 3276 मौत यहाँ पर चीन में हुई है। यानी लॉकडाउन के बाद एक तरफ से यहाँ पर उछाल देखने को मिला, ग्राफ में भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से उछाल देखने को मिला है। अगर आंकड़े आपको जर्मनी के दिखाएं, जर्मनी के आंकड़े आपको दिखाएं, देखिए यहाँ पर 4 मार्च 2020 को यह आंकड़ा 262 था और 11 को यह आंकड़ा जो था वो 1966 तक पहुंचा और 18 मार्च को 12,327 और 25 मार्च को यह आंकड़ा 32,991 तक पहुंचा। इस तरह से ये जो है महामारी ग्रो कर रही है। इसके अलावा देखिए आप 4 मार्च को ये आंकड़ा था 3,089 और 11 मार्च को यह आंकड़ा हो गया 12,462, 18 मार्च को आंकड़ा 35,713 और 25 मार्च को आप देखें 69,000 यहाँ पर 176 तक ये आंकड़ा पहुंचा। इसके बाद देखें आंकड़े तो केवल 4 मार्च से 25 मार्च तक इटली का आंकड़ा यहाँ पर 3,089 से बढ़कर 69,176 पहुंचा, यानी 22 गुना यहाँ पर इजाफा इस महामारी में हुआ। तो अमेरिका से क्या आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, अमेरिका के आंकड़े दिखाएं। पहला केस जो था वो 21 जनवरी 2020 को देखने को मिला। उसके बाद देखें आप जब लॉकडाउन हुआ 19 मार्च को ये लॉकडाउन हुआ तब केस थे यहाँ पर अगर बात करें 7,000 यहाँ पर 87 केस थे और यहाँ पर कुल मौत 100 हो चुकी थी। तब जाकर अमेरिका ने लॉकडाउन किया। इसके बाद आंकड़े देखें आप, यानी लॉकडाउन के वक्त आंकड़ा और बढ़कर जो है 23 मार्च तक केस हो गए 31,563 और कुल मौत हो गई थी 402 मौत। इसके बाद देखें अगर यूएसए के आंकड़े अगर आपको दिखा दें तो यहाँ पर 4 मार्च को जो मामले थे वो थे 158 और 11 मार्च को 58 से बढ़कर 1301 हुए और 18 मार्च को 9,197 और 25 मार्च 54,916 तक यह आंकड़ा पहुंचा। इसके बाद अगर देखें तो 4 मार्च से 25 मार्च अमेरिका का जो आंकड़ा 158 से 54,916 तक, यानी 348 गुना यह आंकड़ा बड़ा महामारी का। भारत के क्या आंकड़े देखिए, 31 मार्च 2020 को पहला केस दर्ज हुआ। इसके बाद जो है अगर देखें तो 22 मार्च यानी जनता कर्फ्यू तक 4 मौत हो चुकी थी, केस थी 283। तब जाकर भारत सरकार ने यहां पर जो है लॉकडाउन का ऐलान किया। 4 मार्च तक केवल 6 ही केस थे भारत में और 11 मार्च को ये 50 तक पहुंचे, 18 मार्च को 137 पहुंचे और 25 मार्च तक ये 562 तक का आंकड़ा छू लिया। यानी कुल 4 मार्च से 25 मार्च तक भारत में 6 से 562 यानी 94 गुना बड़ा। यानी 4 मार्च से 25 मार्च तक अगर लापरवाही की 25 से 14 अप्रैल तक तो ये आंकड़े बन सकते हैं 562 गुणा 94 यानी 52,828 मामले दर्ज हो सकते हैं। तो आपसे एक बार फिर से निवेदन है कि सरकार के बनाए नियमों का पालन करें, घर से बिल्कुल बाहर ना निकलें क्योंकि ये महामारी बहुत तेज गति से फैल सकती है। इसको आप अगर बढ़ावा देते हैं क्योंकि अगर आप दूसरे से दूर रहेंगे तो ये महामारी अपने आप समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा अगर स्पेन के आंकड़े आपको दिखाएं, 4 मार्च को 228, 11 मार्च को ये 2277, 18 मार्च को 14,769 आंकड़े दर्ज हुए और 25 मार्च को 42,058 यहाँ पर मामले देखने को मिले और यहाँ पर 4 मार्च से 25
मार्च तक बैल 228 से 42,058 तक पहुंचे, यानी 194 गुना यहाँ पर मामले दर्ज हुए। तो आपसे एक बार फिर से निवेदन करते हैं कि सरकार के बनाए नियमों का पालन जरूर करें, घर से बिना वजह बाहर बिल्कुल ना निकलें, क्योंकि आपकी जो है यहाँ पर बिखरता ही इस रोग का सबसे बड़ा इलाज है। आप बिखरे हुए रहें, एक दूसरे से दूरी बनाकर रहें, तो इस महामारी से हम और आप आसानी से जीत सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो या जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। और एक और नई जानकारी के साथ मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।